कैसे हैं सब, उम्मीद में सब ठीक होंगे। मैं हूँ अलमा, सबसे बड़ा पैक टू माई चैनल ऑन लाइफ में। सो आज मैं बना रही हूँ टीवी के समोसे, कि मैं कैसे स्टैंड में बनाती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि टीवी के समोसे बनाऊंगी, लेकिन बना नहीं पाई थी। सो आज मैं फाइनली बना रही हूँ। और जाना भी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि मैंने खाने हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जाने के लिए बना देते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी क्रेविंग्स होती रहती है लेट नाइट, मैंने ये खाना मैंने वो खाना। सो मैंने कहा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। सो मैंने टाइम वेस्ट किया, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो मैंने पैन में तेल डाल दिया है। अब मेरे पास ये आधा किलो के गली कीमा है, आप सबसे पहले कीमा डालूँगी। कीमे का कलर वाला चेंज हो जाए और उसकी स्मेल निकल जाए और पानी उसका ज़रा ड्राई हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो कीमा अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है, पर हम इसको चलाएंगे, लेकिन हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसके साथ, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसका कलर चेंज हो गया, मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। जस्ट एक चम्मच ही डाल रही हूँ मैं, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन की कीमे में इतना टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसको फुल हीट पे ही रखा हुआ है। आपको लो हीट नहीं करनी है ना मीडियम करनी है, फुल पे ही रखेंगे ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो थोड़ा बस इसका मैं छोड़ दूँगी, ऐसे करते हैं इसका पानी ड्राई हो जाए। इतना सारा पानी इसका आ गया कि मैंने इतना अच्छा खासा पानी छोड़ दिया। हम इसको थोड़ा और पकाएंगे कि पानी इसका थोड़ा और ड्राई हो जाए। जब बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाएगा इसका बिल्कुल, इसके बाद फिर हम इसको जो है इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आप इसको कवर भी कर सकते हैं, बट मैं जो है इसे खोल के पकाऊंगी ताकि इसकी स्मेल वगैरह ज़रा अच्छे से निकल जाए। उसके बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसको और छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए ऐसे ही, ताकि इसका पानी कुछ हो जाए। क्योंकि बिल्कुल बारीक कीमा नहीं है, ये हाथ का कुटा हुआ घर का कीमा है, हाथ से निकाला है घर में, इसलिए थोड़ा मोटा मोटा से निकला होगा। अब देखें पानी बिल्कुल जो है थोड़ा सा रह गया, लेकिन अभी थोड़ा और हमें ड्राई करना है। ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ। और ये है एक हरी मिर्च है, उसको भी मैंने बिल्कुल अच्छी सी चॉप कर ली, क्योंकि मोटी मोटी जो हो जाती है फिर वो मुँह में आती है तो फिर वो मज़ा नहीं देती। तो बारीक बारीक होगी उसको काटेंगे हम, तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, मुँह में आएगी भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि हरी मिर्च डाल दी वरना मुँह में आती है तो बहुत तेज़ लगती है। तो इसलिए अच्छा है कि हम उसको बारीक बारीक बिल्कुल चॉप करके डालें। पानी ऑलमोस्ट हमारा ड्राई होने लगा है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा, कुटा हुआ जीरा है ये 1 टीस्पून। ये कुटा हुआ भुना हुआ धनिया, ये भी 1 टीस्पून डालेंगे हम। ये हैं कुटी हुई मिर्चे, ये भी 1 टीस्पून डालेंगे। स्पाइसेस जो है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खाना है कोई कम खाना है, ये इलाके पर है। सॉल्ट, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल लो हीट कर दूँगी और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कवर कर दूँगी। तो ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गया, मैं इसका कवर हटाऊँगी, चेक करेंगे। अब इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे,
होनी चाहिए इसकी दाली, क्योंकि वरना बहुत स्पाइसी हो जाता है और हरी मिर्च यहाँ पे बहुत तेज़ आती है, इसलिए जस्ट एक ही दाली में इसको मीडियम कर देंगे। अब ये एक मेरे पास चॉप प्याज इसको डाल देंगे, मैंने हाफ डाली है कि नहीं ज़्यादा ना हो जाए, अगर हमें कम लगेगी तो हम बाद में और डाल सकते हैं। एक साथ साथ ही डालेंगे तो फिर प्याज प्याज ज़्यादा हो जाएगी और कीमा फिर कम लगेगा। धनिया है, धनिया डालेंगे थोड़ा सा, कलर कितना अच्छा आया, सब खिला खिला सा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश सा। तो अब इसको ज़रा हाई फ्लेम करके हम ज़रा अच्छे से इसको पका लेंगे और फिर आपको उसमें अगर सॉल्ट टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को उसमें नमक कम लग रहा हो तो नमक आप और ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था क्योंकि नमक ज़रा यहाँ नमक ज़रा टेस्ट में इतना अच्छा नहीं है यहाँ पर, तो ज़रा ज़्यादा डालना पड़ता है, मैंने 1 टीस्पून डाला ही आ रहा है इसमें, और 1 टीस्पून नॉट फुल, आप उसको बिल्कुल लेवल में करके डालिएगा। प्याज थोड़ी और डालनी पड़ेगी हमें, मैंने एक मीडियम में से सिर्फ इतनी सी रोकी है, थोड़ी सी प्याज रोकी बस, मैंने सारी डाल दी है इसमें। ये देखिए कीमा रेडी हो गया हमारा, लेकिन इसको मैंने अभी हाई हीट पे रखा हुआ है और कीमे का कलर कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसमें कुछ भी हल्दी वल्दी ऐड नहीं करती हूँ, जस्ट थोड़े से ही मसालों के साथ रेडी हो गया। अब थोड़ा सा इसको और पकाएंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे फ्लेम बंद करके कि हाउ इज़ इट लुक। रेडी हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसके समोसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट्स बाद। कीमा हमने बाउल में निकाल लिया, इसको ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे और अब हम जो है चीज़ के लिए उसका बैटर बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे आटे का, ताकि हम समोसे बनाना स्टार्ट कर सकें। सो हियर आई एम, नमाज का टाइम हो गया था, मतलब कि तो मैंने 5 मिनट्स का बेक हुआ था, सो अब मैं वापस आ गई हूँ लौट के, और ये हमारा जो कीमा का बैटर है ये भी ठंडा हो गया है, और ये मैंने जो है आटे का मिक्सचर भी बना के रेडी कर लिया है, और ये है मेरी समोसा शीट्स, ये मैंने घर भी बनाई है, ये मेरी समोसे शीट्स हैं, किस तरह की हैं बिल्कुल, समोसे शीट्स अच्छी बनी हैं और अच्छी बन गई, लेकिन मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी समोसा शीट्स तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने घर पर कैसे बनाई हैं। जो लोग बाहर रहते हैं उनको ये सब चीज़ें बनाना आनी चाहिए, वरना आप तरह जमे समोसे बनाते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टार्ट करते हैं समोसा बनाना। कॉर्नर से इस तरह से आप पूरा इसको कवर करते हैं से, सो ये बन गया है हमारा फर्स्ट समोसा। अब हम इसको यहाँ रखते हैं एक ट्रे में। तो मेरा बेटा उठ गया था तो मुझे उसके पास जाना पड़ा था, अब बनाते हैं दूसरा समोसा। एक तो रेडी हो गया है, दूसरा समोसा हमारा। अब इसी तरह से हम सारे समोसे बना के रेडी कर लेते हैं। सो समोसे यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे रेडी हो गए हैं, तो मैंने प्लास्टिक का एक शॉपर काट के उसमें
ट्रे के नीचे बिछाया और सारे समोसे उसके ऊपर रखे, फिर वही शॉपर ऊपर से कवर करके समोसे रख दिए हैं ताकि वो चिपके ना। मैं ये फ्रीज कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट्स बाद। ये रहे समोसे, मैंने फ्रीज होने के लिए रख दिए थे कल आप लोगों के सामने के थोड़े सेटअप हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे हल्की फुल्की ठंड है, उस वजह से मेरी चीज जो हैं वो बहुत ड्राई होने लगी थी, तो जल्दी जल्दी मैंने समोसे बना के फटाफट से रेडी करके इनको फ्रीज कर दिया। सो फ्रीज कर दिया था, सो अब ये ऐसे हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल रखा है, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम समोसे फ्राई करेंगे, और जिनके लिए बनाए हैं जाना के लिए जाना टेस्ट करके बताएंगे कि समोसे कैसे बने। सो फ्राई करते हुए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे तेल मेरा गर्म हो रहा है, समोसे मैं ऑयल में डालने लगी हूँ, ऑयल गर्म हो गया है तो ये मैं ऑयल में डाल रही हूँ इसको। थोड़ा मैंने बिल्कुल लो हीट कर दिया था, मीडियम हीट कर रहे हैं ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। मैंने बिल्कुल मीडियम हीट कर दी थी क्योंकि समोसे फ़ौरन डालो तो वो फ़ौरन कलर आ जाता है, तो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें हल्का सा गोल्डनिश सा चाहिए, प्यारा सा कलर, तो इसलिए मीडियम हीट है। मीडियम हीट पे पकाएंगे इसको, थोड़ा सॉरी फ्राई करेंगे मीडियम हीट पे इसको अच्छे से। तो ये समोसे अच्छे फ्राई हो गए, हम इनको कलर टर्न कर देते हैं, कलर अच्छा आ गया इनमें। तो मैंने इनको टर्न कर दिया है, हो गए हैं, ये बाद में थोड़ा सा और अच्छा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको अब निकाल लेंगे। मैंने ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया है, ज़्यादा फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहा ज़्यादा। ये वाला हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो समोसा ऑलरेडी निकाल लेंगे हम इसको प्लेट में बंदा बंद करके। तो हेयर जी समोसा, समोसा रेडी हो चुका है, मैंने केचप भी डाल दिया, चटनी मेरे पास थी नहीं तो मैंने केचप के साथ इन्जॉय करेंगे। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, बताइएगा कि कैसे लगी आपको समोसा की रेसिपी, कीमे के समोसों की रेसिपी। एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।